शासकीय भूमि में बन रहे अवैध मकान पर कार्रवाई करवाने के लिए भाजपा का कलेक्ट्रेट का घेराव। तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो 5 फरवरी को अम्बेडकर चौक में किया जाएगा चक्का जाम। पूरा मामला धमतरी जिले के कला रतरायराई का है, जहां शासकीय घास भूमि में बनाए जा रहे अवैध मकान के मामले में न्यायालय नायब तहसीलदार के द्वारा पंचायत को लगातार आदेश जारी किए जा रहे हैं। हर आदेश में अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश पंचायत को दिए गए, लेकिन सरपंच उक्त अवैध अतिक्रमण को हटाने में रुचि नहीं दिखा रहे। इस मामले में बसपा धमतरी के जिलाध्यक्ष आशीष रात्रे द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर उक्त अतिक्रमण को हटाने के संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था। उस ज्ञापन में अतिक्रमण न हटाने पर कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव करने व चक्का जाम करने की धमकी दी गई थी। इस मामले में बुधवार को बहुजन समाज पार्टी द्वारा कलेक्ट्रेट का घेराव कर अतिक्रमण को हटाने की पुनः अपील की गई। बसपा जिलाध्यक्ष ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण हटाया जाए और न्यायालय नायब तहसीलदार के आदेशों का पालन नहीं करने वाले सरपंच पर भी कार्रवाई हो। यदि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो आगामी 5 फरवरी को शहर के अम्बेडकर चौक पर जाम किया जाएगा। वहीं इस मामले में अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए लगातार हमारे कार्यपालिका दंडाधिकारी को निर्देशित किया गया है। ये अतिक्रमण भी हटाया जाएगा और किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में हमारे कार्यपालिका दंडाधिकारी वहां पर उपस्थित रहेंगे। आज हम लोग बहुजन समाज पार्टी द्वारा जो ग्राम कलारतरी में सरपंच लवन कुमार साहू द्वारा जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बना रहे हैं, जिसको नायब तहसीलदार धमतरी द्वारा नोटिस देने के बाद गुमराह पूर्वक फिर हमारे चाचा के है ऐसा करके उसको गुमराह करने का काम किया। प्रशासन द्वारा 2 से 4 बार नोटिस देने के बाद भी पंचायत प्रस्ताव में भी पारित हो चुका है कि यहाँ अतिक्रमण हटाना है। पूर्व में भी वहाँ एक विधवा महिला को अतिक्रमण के नाम से हटाने का काम यही पंचायत द्वारा सरपंच द्वारा किया, लेकिन गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन खुद वो अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं, खुद अतिक्रमण कर रहे हैं। तो ऐसे पंचायत में जो गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है, लवन कुमार साहू के ऊपर भी धारा 40 लगना चाहिए। और जो प्रशासन बचाने का काम कर रहे हैं, जो 3-4 नोटिस के बाद भी उसका मकान नहीं तोड़ा है, ये संदिग्ध लगता है। प्रशासन कहीं न कहीं इसमें भी मिली भगत की बू आ रहा है। तो तत्काल हम प्रशासन से मांग करते हैं, जो भी अधिकारी ये मामला को देख रहे हैं, तत्काल अतिक्रमण हटना चाहिए, नहीं तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ भी नामजात हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और धमतरी कलेक्टर के महोदय से निवेदन करते हैं, तत्काल इसको प्रभाव से हटाया जाए, नहीं तो 5 तारीख को हम लोग अम्बेडकर चौक में बृहद रूप से चक्का जाम करेंगे। ये धमतरी तहसील कार्यालय का मामला है, जिसको नायब तहसीलदार कुणाल साहब देख रहे हैं, तो तत्काल इस मीटर को आगे न बढ़ाते हुए अतिक्रमणकारी को बढ़ावा देना बंद करें और तत्काल अतिक्रमण हटाया जाए। किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण को जो है उसके विरुद्ध प्रशासन का लगातार निर्देश हमारे कार्यपालिक दंडाधिकारी को दिया जा रहा है कि संबंधित ग्राम पंचायत से मिलकर के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। चूंकि ग्राम पंचायत स्तर पर अतिक्रमण हटाने की उत्तरदायित्व और शक्तियां दोनों ही ग्राम पंचायत में निहित है, तो ग्राम पंचायत के माध्यम से वो अतिक्रमण हटाई जाएगी और हमारी किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में हमारे कार्यपालिक दंडाधिकारी वहां पर उपस्थित रहेंगे।